गरीब बहू की जादुई चूड़ी और लिपस्टिक। सुंदर सुंदर चूड़ी लिपस्टिक ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी लिपस्टिक। कैलाश कड़ी गर्मी और चिड़चिड़ाती धूप में अपनी चूड़ी और लिपस्टिक बेच रहा होता है, लेकिन कोई भी उससे चूड़ी और लिपस्टिक खरीदने नहीं आता। हे भगवान, आज पूरा दिन बीत गया लेकिन अभी तक मेरी चूड़ी और लिपस्टिक की एक भी बोनी नहीं हुई। पहले तो मेरी चूड़ी और लिपस्टिक की इतनी बिक्री होती थी, लेकिन जब से नए डिजाइन के बैंगल और लिक्विड वाले लिपस्टिक चल गई है, तब से हम जैसे गरीब लोगों के बनाए हुए चूड़ी और लिपस्टिक कोई खरीदता ही नहीं। अरे इसी से तो हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। पता नहीं आज मुझ जैसे गरीब के घर का चूल्हा जलेगा भी या नहीं। इसी तरह कैलाश कड़ी धूप में अपनी चूड़ी और लिपस्टिक लेकर घूमता है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी और लिपस्टिक नहीं बिकती और वह थक हार कर वापस अपने घर आने लगता है। उसी समय एक गाड़ी वाला उस गरीब चूड़ी वाले को टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। और इधर घर में गायत्री के हाथ से उसका मंगलसूत्र टूटकर नीचे गिर जाता है। हे माता रानी, ये कैसा संकेत है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, आप कृपा करके मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान। उसी समय गांव का एक व्यक्ति भागता हुआ उनके घर जाता है और उन्हें कैलाश के एक्सीडेंट की खबर देता है। तभी गायत्री अपनी सास कौशल्या और अपनी ननद मालती के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए आपके पति का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, इसलिए हम इनको नहीं बचा पाए, आई एम सॉरी। ये सुनते ही मालती गायत्री को ताने देते हुए बोलती है, मिल गई तुम्हें तसल्ली भाभी, आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया मौत के मुंह में चले गए। दीदी दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? कैलाश मेरे भी पति थे। और माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि कैलाश जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? और नहीं तो क्या, मेरी मालती बिल्कुल सही कह रही है। अरे तो जैसे मनहूस की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तेरे इस काले साए की वजह से मेरे घर में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। अपनी सास और ननद के इन तानों को सुनकर लाचार गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है और कैलाश के जाने के बाद उनके घर में दाने दाने तक के लाले पड़ने लगते हैं। माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं? कोयले की राख बना दे। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो हमारे घर के लिए कुलक्षिणी है, कुलक्षिणी। आज तेरी वजह से मेरे घर की यह हालत है। गरीबी और आर्थिक तंगी को देखकर कौशल्या की आंखों में गायत्री का काला रंग खटकने लगता है, जिसकी वजह से कौशल्या हमेशा गायत्री को खूब खरी खोटी सुनाती है और बेचारी गायत्री माता रानी के सामने हमेशा अपने दुखों को बयां करती रहती है। हे माता रानी, आज मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं गरीब लाचार बहू अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माता रानी, क्यों ना मैं भी अपने पति की तरह चूड़ी और लिपस्टिक बनाकर बेचूं। अपने परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर गायत्री अगले दिन से चूड़ी और लिपस्टिक बनाकर उन्हें कड़ी धूप में भूखे प्यासे गांव-गांव घूमकर बेचने निकल जाती है। सुंदर सुंदर चूड़ी और लिपस्टिक ले लो, लाल लाल गुलाबी गुलाबी सुंदर सुंदर चूड़ी लिपस्टिक ले लो। उसी समय गांव की एक औरत गायत्री को रोकती है और उससे कहती है, अरे ओ चूड़ी और लिपस्टिक वाली, क्या दाम है तेरे चूड़ी और लिपस्टिक का? सिर्फ 20 रुपए की है बहन जी ये चूड़ी और लिपस्टिक, तो बताओ बहन कौन सी वाली दिखाऊं, ये लाल वाली या ये गुलाबी वाली? अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पुराने जमाने वाली लिपस्टिक और चूड़ी, मैं तो तुम्हें इनके 10 रुपए भी ना दूं। इतना बोलकर वो औरत गायत्री को वहाँ से भगा देती है और गायत्री बेचारी कड़ी धूप में अपनी टोकरी लेकर पूरे गांव-गांव घूमती है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी और लिपस्टिक नहीं बिकती और वह थक हार कर माता रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती है। उसी समय वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है और वह गायत्री से कहती है, अरे बेटी ये चूड़ी और लिपस्टिक कितने रुपए की दे रही हो?
20 रुपए की है अम्मा। ठीक है बेटी, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। इतना सुनते ही गायत्री जल्दी से अपनी टोकरी में से लाल चूड़ी निकालती है और उस बुजुर्ग औरत को दे देती है। उसी समय वहाँ पर अचानक से बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी गायत्री उस बुजुर्ग औरत को अपने घर चलने के लिए बोलती है। अम्मा बारिश शुरू हो गई है तो आप चाहे तो यही पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलकर रुक सकती हैं। इतना बोलकर गायत्री उस बुजुर्ग औरत को अपने घर ले जाती है, जहाँ कौशल्या और उसकी ननद मालती यह देखकर गायत्री को फिर से खरी खोटी सुनाते हैं। अरे ओ मनहूस, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे यहाँ हम भूख से मरे जा रहे हैं, ऊपर से तू अब इस बुढ़िया को लेकर आ गई। दरवाजे पर खड़ी वह बुजुर्ग औरत यह सब सुन लेती है और अंदर आकर उनसे कहती है। सुनो बहन, तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लाखों में, इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं बस आज की रात यहाँ पर रुकूंगी और कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और गायत्री जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म करके उस बुजुर्ग औरत के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटी आओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो, वैसे भी कल सुबह तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। इतना कहते ही गायत्री उस बुजुर्ग औरत के साथ मिलकर खाना खाती है और खाना खाते ही वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब अगली सुबह गायत्री उठती है तो वह देखती है कि उसकी टोकरी सुंदर सुंदर डिजाइनर चूड़ी और लिपस्टिक से भरी हुई होती है और उसके ऊपर उसे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिलती है जिसमें लिखा होता है, बेटी मैं वही थी जिससे तुम रोज बातें किया करती थी, तुम्हारी माता रानी, और जब भी मुझे कोई सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उसकी मदद करने स्वयं आती हूँ, और तुम तो मेरी एक सच्ची भक्त हो, तो तुम्हारी मदद करने तो मुझे आना ही था। इसलिए बेटी आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी इस टोकरी में जितनी भी चूड़ी और लिपस्टिक है वह सब अब जादुई हो गई है, इसलिए तुम इन्हें जिसे भी बेचोगी मैं उसके सारे दुख दर्द मिटा दूंगी और तुम्हारी ये जादुई चूड़ी और लिपस्टिक कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए तुम हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करती रहना बेटी। हे माता रानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। इतना कहकर गायत्री अपनी टोकरी उठाकर बाजार में चूड़ी और लिपस्टिक बेचने चली जाती है, जहां उसके पास एक काले रंग की लड़की आती है और गायत्री उसे अपनी टोकरी से एक लिपस्टिक निकाल कर देती है। लिपस्टिक लगाते ही उस लड़की का काला रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है और वह बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, आपकी लिपस्टिक लगाते ही मेरा काला रंग गोरे रंग में बदल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वह लड़की गायत्री को खुशी खुशी पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जिसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे होते हैं। उसी समय गायत्री उसे अपनी टोकरी से गुलाबी कलर की लिपस्टिक निकाल कर देती है, जिसे लगाते ही उस लड़की के चेहरे के भी सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और वो लड़की पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे चेहरे के सारे दाग धब्बे साफ हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पहले मैंने अपने चेहरे का कितना इलाज करवाया, कितना कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज आपकी ये लिपस्टिक लगाते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। ऐसे ही जादुई चूड़ी और लिपस्टिक का चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं
और गायत्री से जादुई चूड़ी और लिपस्टिक खरीदने लगते हैं और गायत्री अपनी टोकरी में से जितनी भी जादुई चूड़ी और लिपस्टिक निकालकर लोगों को देती उसके पास फिर से उतनी ही लिपस्टिक और चूड़ी आ जाती और ऐसे ही गायत्री की एक दिन में 4 गुना ज्यादा कमाई होती है जिसके बाद वह उन पैसों से अपने घर के लिए राशन खरीद कर लाती है। जहाँ उसकी सास उसकी भरी हुई टोकरी देखकर कहती है, अरे ये क्या, तेरी टोकरी तो सारी चूड़ी और लिपस्टिक से भरी हुई है, इसका मतलब तेरी आज एक भी बिक्री नहीं हुई, लेकिन फिर तू ये राशन कहाँ से खरीद कर ले आई। माँ जी आज हमारी खूब चूड़ी और लिपस्टिक बिकी है और उन्हीं पैसों से तो मैं ये राशन खरीद कर लाई हूँ, क्योंकि माँ जी यह कोई मामूली चूड़ी और लिपस्टिक नहीं है बल्कि जादुई चूड़ी और लिपस्टिक है और मैं इस टोकरी में से जितनी भी चूड़ी और लिपस्टिक निकालती हूँ वह फिर से उतनी ही हो जाती है। क्या जादुई लिपस्टिक और चूड़ी, पर ऐसा कैसे हो सकता है बहू। इतना सुनते ही गायत्री उस टोकरी में से कुछ चूड़ी और लिपस्टिक निकालती है जिसके बाद उस टोकरी के अंदर फिर से उतनी ही चूड़ी और लिपस्टिक हो जाती है। यह चमत्कार देखकर उसकी सास कौशल्या और ननद मालती हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, ये तो सच में एक चमत्कार ही है। हाँ माँ, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में ये जादुई चूड़ी और लिपस्टिक है। यह सब देखकर कौशल्या और मालती बहुत ही खुश हो जाती है और उनके मन से अपनी बहू गायत्री के लिए करवाहट दूर हो जाती है और इसी तरह से गायत्री उन जादुई चूड़ी और लिपस्टिक को बेचकर अपने लिए सुंदर सा घर बनवा लेती है और अपनी सास और नंद के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। लेकिन वह फिर भी लोगों को चूड़ी और लिपस्टिक बेचना बंद नहीं करती और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहती है। जादुई लहंगा और मेकअप की नदी। सोनपुर गांव में 2 गरीब बहनें रहती थी, बेला और गुड़िया। दोनों बहुत छोटी थी जब एक रात उसके पिता काम करके घर लौट रहे थे तभी बारिश में एक बिजली की तार उनके ऊपर गिर गई और वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी माँ निर्मला ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुद भूखे रहकर घर चलाने के लिए दिन रात सिलाई का काम करने लगी। सिलाई में भी उतनी कमाई नहीं होती थी। निर्मला खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी की मार सबसे बड़ी मार होती है। निर्मला के भूखे रह रहकर काम करने की वजह से निर्मला की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। दीदी दीदी, माँ को क्या हुआ? दीदी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी। दीदी माँ, माँ उठो ना माँ। नहीं गुड़िया, माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी क्योंकि वो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और हम अनाथ हो गए। मेरी बहन, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। यह बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। बेला ने हिम्मत से अपने आप को किसी तरह से संभाला और अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीदी कब तक काम करती रहोगी? अब चलो उठो और खाना खा लो। देखो बहुत रात हो गई है, अब बाकी के काम कल कर लेना। नहीं गुड़िया, तू खाना खाकर सो जा, मुझे तो अभी एक और सूट सिलना बाकी है। अगर सिलाई नहीं करूँगी फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? खाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना छोटी। ठीक है दीदी, फिर मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद करती हूँ। और फिर इस तरह से दोनों बहन मिलजुल कर काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई थी। अरे ओ बेला, बेला अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ बेला, मेरी राधा का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ हाँ काकी, सिल गया है लहंगा। आखिर मैं भला अपनी सहेली राधा की शादी कैसे भूल सकती हूँ। ये लो काकी, ये रहा लहंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो राधा ने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है, आ जाना।
ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दोनों बहनें ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो काली सी शकल है, ऊपर से ये फटा पुराना कपड़ा। अरे बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। हो सकता है इसी बहाने शादी में आए किसी लड़के वाले को तुम दोनों बहनों में से कोई एक पसंद आ जाओ, वरना इस गरीबी और रंग रूप के साथ तुम दोनों बहनों का तो ब्याह होने से रहा। एक तो दोनों अनाथ हो, ऊपर से ये काले रंग रूप। मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत ही तरस आता है, पर क्या करूं? अच्छा बेटी, अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। काकी के कड़वी बातें सुनकर बेला के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दीदी, काकी की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है बोलना। अब उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, देखना बहुत ही जल्दी आपको आपकी ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा। और ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। शादी वाले दिन दोनों बहनें अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात आने से पहले वहाँ पहुँच जाती है। तभी उसे देखकर राधा की दादी बोलती है, हाय दैया, ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम दोनों बहनों ने। अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग सूट, छी 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 छी। अरे हमारे घर शादी है, कोई मातम नहीं, जो ये पुराना सा मटमैला सूट पहनकर आ गई हो। क्यों रे करम जलियो, तुम अनाथ बहने अपनी गरीबी और काली सी शकल लेकर मुंह उठाकर इस शादी में उठकर आ गई। तुम्हें देखकर लड़के वाले आखिर क्या सोचेंगे, मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही उसका घर बिगाड़ना चाह रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा, आ गई मुंह उठाकर दूसरों का घर बिगाड़ने के लिए। हाँ बहन, जरा समझाओ इन गरीब और अनाथ बहनों को, मुझे तो इन्हें देखकर इन पर बहुत ही तरस आता है। मैंने तो लाख दफा समझाया है, अरे मेरे बेटे दीनानाथ से ब्याह कर ले, माना कि तो बच्चों का बाप है, लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन गरीब बहनों को तो सपनों का राजकुमार मिलने से रहा, फिर भी न जाने किस बात का घमंड है जो मानने को तैयार ही नहीं है। बस कीजिए आप लोग, आपको हमें उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं। लो जी कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह ही लगती है। शकल ऐसी है तो इतनी अकर है, थोड़ा रंग रूप अच्छा होता फिर पता नहीं क्या करती। यह सब सुनकर बेला की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से नदी के किनारे आ जाती है। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है। अब तो गांव वालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अब और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस जली कटी के साथ नहीं जी सकती। यह बोलकर बेला नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर पानी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है। ये क्या, ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेला तुम इस रास्ते से नदी के बीच में आ जाओ, डरो मत, आओ बेला। उसके बाद बेला उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीच में पहुँच जाती है। तभी नदी में से फिर से आवाज आती है, डरो मत बेला, मैं जादुई नदी हूँ, मैं कब से सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। पहली बार तुम आई हो, मुझे तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल लगती हो, लेकिन ये बताओ तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी। जान न दूं तो और क्या करूं जादुई नदी, माता पिता के मर जाने के बाद मैं और मेरी बहनें दोनों अनाथ हो गए, और तो और मेरी काली सूरत की वजह से मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनें तो किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों को यह भी देखा नहीं जाता, वो हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी के लिए मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो बेला, ये लो ये एक जादुई लहंगा और जादुई मेकअप है, इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी
तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करना। इस मेकअप को लगाते ही तुम्हारा ये काला सा रंग राजकुमारी की तरह सुंदर हो जाएगा। यह सुनकर बेला खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और मेकअप लेकर घर आ जाती है। दीदी, आप एकदम से शादी छोड़कर मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मुझे पता है आपको लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि जाकर कसकर घूसा मारकर आ जाऊं उन सबके मुंह पे। अरे दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? इतना सुंदर लहंगा और मेकअप। गुड़िया, देखना अब पूरे गांव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। गुड़िया, ये लहंगा और मेकअप जादुई है और ये हमें जादुई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है। जादुई लहंगा, ये कैसे हो सकता है? अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगे, हमें पैसे दो। बेला के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक प्रकाश हुआ और उससे पैसों की बारिश होने लगी और तुरंत में ही वहाँ पैसों का ढेर लग गया। अरे वाह दीदी, ये तो सचमुच में जादुई लहंगा है। दीदी, इस मेकअप में कौन सा जादू है? एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। इतना बोलकर बेला उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही बेला बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हो। राजकुमारी, अब देखना हमारे घर के बाहर कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। इस जादुई लहंगे और मेकअप की वजह से आज हमें भी इन समाज में सर उठाकर जीने का हक मिल गया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी, और ना ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान भी मांगती है। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। वो अब अपने साथ साथ गांव के और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों बाद बेला के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और बेला की शादी पक्की हो जाती है। दीदी, आप रो रही हो? दीदी, ये तो खुशी की बात है, आज आपकी शादी है। अब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने पति के घर चली जाओगी। पर छोटी, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में अपना दिन कैसे बिताऊंगी? मुझे वहाँ तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे दीदी, इतना क्यों सोच रही हो? जादुई लहंगे की वजह से अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं जिससे मेरी जिंदगी भी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाओ। गुड़िया जादुई लहंगे से पैसे मांगकर पूरे गांव को अच्छे से सजाती है। पूरा गांव दोनों बहनों के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे कि आखिर दोनों बहनें एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई। वहीं इधर शादी वाले दिन गुड़िया भी तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड़िया को देखकर बेला कहती है, अरे वाह, इस लाल लहंगे में तो मेरी बहन बिजली गिरा रही है। आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हो दीदी। उसके बाद बारात आती है और बहुत ही धूमधाम से बेला की शादी होती है। बीते दिनों जितने लोगों ने भी दोनों बहनों का मजाक उड़ाया था, वे बस हक्के बक्के से दोनों बहनों को देखते रह जाते हैं। वहीं शादी में आए लड़के के एक बहुत ही अमीर दोस्त को गुड़िया भी पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद गुड़िया की भी शादी हो जाती है और फिर इस तरह दोनों बहनें की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।